साल की छुट्टियां चल रही, इतनी जल्दी उठ के क्या करना। तो ऐ देखो कैसे जाले लटक रहे हैं। आज दिवाली पर हम सब मिलकर सफाई करेंगे और दिवाली की छुट्टियां तो होंगी इस वास्ते मम्मी की हेल्प कराने के लिए। और देखो मम्मी आपके लिए नया झाड़ू और पोछा भी लाई है। और कितना पिंकी बहन जी, अच्छा तुसी ये दसो धनतेरस पे की ले रहे हो कि भाई साहब आपको सोने की हार दिलवा रहे हैं कि वो भी 2 तोले का हार। पिंकी तन्नू तो पता ही है मेरे हस्बैंड एक नंबर की कंडीशन, पर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़नी, घर के कोने कोने साफ करवाने हैं। इस बार तुम्हें खुश करने के लिए मैंने सोने का गिफ्ट मंगाया है, तुम्हारे लिए बस अभी आता ही होगा। लगता है मेरा गिफ्ट आ गया। अच्छा चल चल पिंकी, मैं तेनू बाद में गल करागी। चद्दर तू खट विच, मैं तेनू छड़ांगी नहीं। हाँ भैया आ जाओ आ जाओ, एकदम सस्ते में फटाके ले लो, एकदम सस्ते में, ऐसे फटाके नहीं मिलेंगे पूरे शहर में। ओ आंटी आ जाओ ले लो फटाके एकदम मस्त, पूरे शहर में इस दाम में नहीं मिलेंगे ऐसे फटाके। अच्छा कैसे दे रहे हो? 200। ओ भाई एक नहीं लेनी है, 10-12 लेनी है। और जो एक खराब निकली ना बेटे, सारे पैसे वापस ले जाऊंगी। ताई जी अंकल जी मिठाई भी है एकदम ताजी बढ़िया। लो थोड़ी सी टेस्ट कर रही है रे भाया। टेस्ट तो बढ़िया से, चल कर दे पैक। सारे महंगे ना करियो, एक आधे सस्ते भी कर लियो, लेन देन में चल जा रहे हैं सब। अरे ताई जी दिवाली रोज रोज थोड़ी आती है भाई, यो तो पता से, पर या दिवाली मारा दिवाला कट जाए। भाई देख मैं कैसी लग रही हूँ, तेरी बहन करीना से कम थोड़ी ना हूँ। एकदम बंदरिया लग रही है। चल तू तो भोंडा है, तुझसे तो पूछना ही बेकार है। हाँ यार तुझे पता है मैंने ना 10,000 का लहंगा पहना है, डिजाइनर वाले की कॉपी। हाँ बना है पागल, दुनिया को पागल बनाना ही तो आता है। चलो उसी से 1,000 का लहंगा लेके आइए और 10,000 की बात कर रही है। मम्मी इसको देखो ना, चल तू अपना काम कर। हाँ यार मैं तो तुझे मैं चल अच्छा मैं तुझे ना मेरी पिक व्हाट्सएप करती हूँ। ये ले 1,000 रुपए, भाई मुझे पटाखे दिला देना, मुझे ना स्टेटस पे रखना है। इतने में तो पटाखों का चूरन मिल गया। अच्छा ये ले 1,500। हाँ और ये ले तेरी 500 कमीशन। ये देख हाथ में पटाखे धरा के
दिखाता हूँ। आइए आंटी, आइए। बेटा कितने दिनों बाद मिल रहे हो, कितना बड़ा हो गया तू। अरे क्या आंटी, परसों के घर के लिए तो वही से ठीक करके आया था। मैं भी कितनी फुल्लक्कड़ हूँ ना। लो आंटी स्नैक्स खा लो। मैं ये सब नहीं खाती हूँ। आज क्या है ना, आजकल मैं ना डाइटिंग पर हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे चलो, आप इतना कह ही रही हो तो खा ही लेती हूँ। वैसे भी एक दिन में थोड़े ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। और मेरे गिफ्ट से पटाखे, ये क्या प्लान, वो भी दिवाली गिफ्ट। बेटा इस बार हमने मिठाई न देकर ये पफिंग वाला प्लांट दिया है, कैंडल्स दिए हैं, दिए हैं हमने। ये ना तो पटाखों की तरह नॉइस पोल्यूशन करते हैं और ना ही एयर पोल्यूशन करते हैं। और वैसे भी दिवाली का मतलब यही होता है कि अपने परिवार दोस्तों के साथ खुशी मनाना, दिए जलाना, कैंडल्स जलाना, ये पफिंग वाला प्लांट उगाना। तो क्यों ना हम इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं।